अरे सम्राट, वो लड़की क्या समझती अपने आपको, हम सबको उल्लू बनाकर पानी में फेंक दिया और तुम देखते रहे। रुक, मैं बोलता हूँ। अरे इतना ही शौक है तो इसे घर में रखो, इसे खुले आप छोड़ दिया और हमें प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे इन्हें बोलने से क्या फायदा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं, वही कुछ करेंगे हमारे लिए। ये हुई ना बात, फोन लाओ। सर सर छोड़िए ना सर, इसमें मेरी गलती है, आइंदा ऐसा ना हो इसका मैं ख्याल रखूंगा। अगर आप लोगों का दिल अभी भी नहीं भरा तो आप मुझे सजा दीजिए सर, उस भोली भाली लड़की पर दया कीजिए सर, वो बेचारी नादान है। हाँ तो क्यों हमारे जज्बात से खेलते हो, चलो यार। ऐसा हुआ तो देखना। चलो यहाँ से। ओफो, ये सब कैसे हो गया, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। अरे इतना हजारों में तनख्वाह लेते हो, फिर लड़की को छोड़कर कहाँ चले गए? इंदु बेटी की दवा के लिए डॉक्टर के पास गया था बेटा, और मेरी पत्नी मार्केट गई थी, इसी बीच ये सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, आइंदा कभी इसको अकेली छोड़ के मत जाइए। ये 10,000 रखिए, घर का किराया और डॉक्टर की फीस दे दीजिए। एक बात और, मैंने आपको इस लड़की का जिम्मा सौंपा है जो मेरी जान से भी बढ़कर है। आओ। शॉट मारो बड़े साहब, मारो। वाह, क्या कमाल का शॉट मारा है। वाह क्या मारा बड़े साहब, सीधा होल में गिर गया। क्या हाथ या पैर से? क्या हाथ या पैर? अरे वही, तूने हाथ से अंदर डाला या पैर से? क्या कहना चाहते हो आप, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप तो मेरा अपमान करने लगे हो बड़े साहब, खेलो खुद ही खेलो, मैं चला। क्यों नाराज हो गया? थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इनको कैसे पता चला उतनी दूर से? चल बाजूहट। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? बताऊं? अरे दूर हट, चल आया खेले, बूढ़ी लगा, मैचिंग टोपी, लाल कमीज, फेस देखो, मुंचो पे देखो। देखो इज्जत से बात करो। तुम जानते नहीं कौन हूँ, क्या कर लेगा तू, मुझे मारेगा? हट। अरे सम्राट, चलो हम लोग चलते हैं। सम्राट रुक जाओ। उल्टी मूछ, कौन है ये? बापरे, बड़ा गुस्से ले ये बॉडीगार्ड क्यों? नमस्ते जी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, प्लीज सर। ए भाग साले, तेरी बड़ी बॉडी है और ये तेरा बॉडीगार्ड। वे सम्राट नहीं। चलो। ए डर के क्यों जाते हो, आओ खेलते हैं। अरे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो ताकत लगा, जोर से और जोर से, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा, जरा जोर से लगा। अरे क्यों भाई सम्राट, इस पागल पट्टे से कुछ नहीं हो रहा, तुम जरा हाथ मारो, तुम्हें चांस देता हूं इस प्रीतम वंश को संवारने का। कुछ नहीं हो रहा। अब आया ना असली साउंड। राम भरोसे, ऊपर जाके बड़े साहब के लिए पानी गर्म करो। प्रीतम वंश वाले फ्रिज हो गए। सुनो बड़ी माँ, जल्दी जाकर बड़े साहब के लिए खाना लगाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। वो काम इससे ज्यादा जरूरी है, अब जाओ ना बड़ी माँ, अब जाओ भी। सुनो कम्मो जी, बड़े साहब के कपड़े निकाल। अच्छा सम्राट। हे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप मुझे थोड़ा रास्ता देंगे, मुझे अंदर काम है। जा सकते हो लेकिन एक चीटा डालू क्या? डालो डालो, इस बार शायद नहीं, ये मैक्सिन डाल के बाहर निकालूंगा, रास्ता छोड़ो बहुत काम है। साहब ये लीजिए टॉवल, बाल भी धो लीजिएगा। जिसकी बेइज्जती की जानते हो वो कहाँ रहता है?
इस दिल में, मेरे दिल की धड़कन को तूने भड़काया है। अब वो धड़कन तेज हो गई है, उसकी आवाज तुझे सुनाई देगी। देख मेरी इस मुट्ठी को। सर पहुंच लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी आपको। हाथ या पैर? क्या हाथ या पैर? वही, उसका तूने हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? आप भी, मैं तो यहां से हिला तक नहीं। ए, सच बोल बे। देखिए बड़े साहब, बूढ़े होते होते अब आपको शक की बीमारी भी हो गई है। एक इंसान को दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देंगे तो कैसे चलेगा? अपने सर की कसम, ठीक है? अब बोल। इस तरह मुझे परेशान क्यों करते हैं? आपको कोई हाथ लगाएगा और मैं चुप रहूंगा, उसका हाथ अब काम नहीं करेगा। हा? शायद पैर भी काम नहीं। बड़ी माँ, खाना तैयार है। ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई स्कैन सब रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखा रहे हैं, लेकिन पेशेंट पर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। प्लीज डॉक्टर, किस प्रकार की मार से आदमी ऐसा हो जाता है पता नहीं चल रहा है। उस स्टेट से आप यहाँ पे आए हैं, इसलिए आपसे टेस्ट कराने का निर्णय लिया। रिपोर्ट्स दिखाइए। एक्सरे। ईसीजी। Ultrasound report. What happened, doctor? I said give me the ultrasound report, damn it! वही, बिल्कुल वही। No doubt. No doubt. ये वही है। ये मार बिल्कुल उसी की है। कौन है डॉक्टर? सिकंदर। 25 लोग मर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग मौत से जूझ रहे हैं। वो सब कौन है? भाई साहब के आदमी हैं। I'm sorry. I'm extremely sorry, sir. आप बेकार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मुझे भरोसा नहीं है। विंसेंट की स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसलिए अभी तक बचा हुआ है, वरना सिकंदर से मार खाया नहीं बचता, क्योंकि मैंने किसी को जिंदा नहीं देखा। शव को ले जाइए। अरे इंतजाम कर दिए हैं सब, बस ओके कहो, यहां से छुपाकर बाहर निकलवा दूंगा। कुछ समझे कि नहीं? भाई साहब का नाम लेते ही जो कांपते थे आज हमें रौब दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह हमें भगाया जा रहा है। भाई तुम्हें बाहर आना होगा, आना होगा। हाँ तुम्हें जरूर आना होगा। क्यों क्यों नहीं आओगे? मर्दानगी खत्म होगी क्या, या जेल का खाना खाकर कमजोर पड़ गए? यही सब लोग बोलेंगे मुझे। भाई साहब को हिजड़े की तरह देख के सब लोग हंसी उड़ाएंगे। कदम बाहर पड़ा मेरा तो सिकंदर का सर कटेगा।
वो कहां छुपा है ढूंढो उसको, पता लगाओ उसका। ये लोहे की चेन और जेल की दीवार क्या है, पहले उसका पता लगाओ, मैं बाहर आ ही जाऊं। जाओ।